हेलो दोस्तों, मैं साओ साओ चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में, जिस शेयर का नाम है रिलायंस। रिलायंस शेयर लाइव मार्केट में अभी लाइव चल रहा है, 2,331 रुपीज़ अभी लाइव प्राइस में चल रहा है। अभी हम वन डे कैंडल देख पा रहे हैं, वन डे कैंडल में आज बेयरिश है। अगर इस कैंडल को इंट्राडे लेवल में देखेंगे तो 30 मिनट यूज करेंगे। 30 मिनट कैंडल में हम देख पा रहे हैं लगातार 5 कैंडल बेयरिश में है और लगातार लोअर ब्रेकआउट दे के आ रहा है। तो हमको कहाँ से एंट्री करना है? अगर इंट्राडे प्लेयर होगा तो यही आसपास में, मतलब इसका जो पीछे का सपोर्ट है 2320 का आसपास में आप एंट्री करिए। वहाँ से फ्रेश मूवमेंट 20 पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ ध्यान देना है, स्टॉप लॉस के साथ चलना है इंट्राडे प्लेयर जो होता है। अगर लॉन्ग टर्म बेसिक में जाना है तो आपको पीछे का जो वन डे कैंडल ले लेना है यहाँ से चार्ट में, और पीछे का देखना है ये यहाँ पर कम से कम 2250 मेन सपोर्ट है। आप यहाँ से अगर मिलता है एंट्री पॉइंट बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप यहाँ से 2330 में आप एंट्री कर सकते हैं। ये हुआ लॉन्ग टर्म बेसिक पॉइंट। यहाँ से टारगेट मिलेगा 2500, फ्रेश टारगेट मिल जाएगा। और 2500 ब्रेकआउट देते हैं तो ये 2750 तक आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। ये रिलायंस प्रोडक्ट शेयर है जो निफ्टी 50 का 50% शेयर इसको हैंडल करता है। इसका कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, तो ये शेयर रिकमेंडेड है लॉन्ग टर्म बेसिक में, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसका फंडामेंटल हम देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री का फंडामेंटल जो 2,335 लाइव प्राइस में चल रहा है, ये देख पा रहे लाइव सेक्शन। और इसमें जो वैल्यू दिया है, रेड सिग्नल दिया है। अभी इंट्रोडक्शन की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है बोल के, मैंने करेंट प्राइस जो चल रहा है इसको नहीं लेने के लिए बोल रहे, थोड़ा ज़्यादा मोमेंट में। बाकी एंट्री पॉइंट वो है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये ग्रीन सिग्नल दिया है, नो रेड फ्लैग यानी कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसमें जो एनालिस्ट है उसमें सजेशन दिया है कि इसमें 58% आप चांसेस है, इसमें रेटिंग दिया हुआ है। और ये किस किस कंपनी में जुड़ा है, रिलायंस जियो को, रिलायंस फ्रेश दो ब्रांड सेक्टर में। इसका प्रॉफिट जो रेवेन्यू जनरेट डे टू ईयरली ईयर 2018 टू 2021 ईयरली ईयरली 4 करोड़ का डिस्टेंस है, यानी ये गेन टू गेन प्रॉफिट है, रेवेन्यू कम है। इसका मतलब ये अच्छा कंपनी है।